Ladies and gentlemen, for forthcoming videos, may we request you to subscribe for Bharat Varsh Today and kindly press the bell icon. Thank you. अध्यक्ष हो गया भारत बंद के दौरान सारे देश में हुई कुछ हिंसा की घटनाओं के संबंध में मैं अपना वक्तव्य देने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मैं सभी सम्मानित सदस्यों से अपील करना चाहता हूँ, बहुत ही गंभीर विषय पर मैं स्टेटमेंट देने के लिए खड़ा हुआ हूँ, कृपया वह सदन में शांति व्यवस्था बनाए रखें। महोदया, कल देश के कई हिस्सों में हिंसा एवं आगजनी की घटनाएं हुई। भारत बंद के दौरान हिंसा की घटनाओं में 8 लोगों की मृत्यु हुई है, मध्य प्रदेश में 6, उत्तर प्रदेश में 1 तथा राजस्थान में 1। इसके अलावा बंद के दौरान भीड़ तथा पुलिस में कई जगहों पर टकराव की भी घटनाएं हुई हैं। मैं सबसे पहले घटनाओं में मृत लोगों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करना चाहता हूं। मैं यह भली भांति समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लोगों के मन में व्यापक रोष है। इस केस में भारत सरकार पार्टी नहीं थी। इस फैसले के विरुद्ध लोग चिंतित होकर सड़कों पर उतर आए हैं। मैं यह भारत सरकार की तरफ से कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट तथा यस्टी तथा यस्टी समुदाय के लोगों को संविधान द्वारा जो प्रोटेक्शन दिया गया है, सरकार उसके प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। और अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने एससी एसटी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट कोई भी डाइल्यूशन नहीं किया है, बल्कि हमारी सरकार ने कार्यभार संभालते ही इस संदर्भ में एससी एसटी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट के मौजूदा प्रावधानों का अवलोकन किया और निर्णय लिया कि इनको और भी स्ट्रेंथन किया जाए। अतः 2015 में हमारी सरकार ने द शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज अमेंडमेंट एक्ट भी पारित किया। इसके द्वारा एससी एसटी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट में नए ऑफेंसेस को जोड़ा गया जो पहले नहीं थे। यह भी पाया गया कि दोषियों को सजा देने में विलंब होती है या चार्ज इस्टेब्लिश ही नहीं हो पाता है, क्योंकि विक्टिम अथवा विटनेस जो कि पहले ही शोषित हैं पर जोर दबाव देकर चुप कराने का प्रयास किया जाता है। इसलिए इस संशोधन द्वारा विटनेस प्रोटेक्शन का भी प्राविधान हमारी सरकार ने किया है। अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं बल्कि हमारी सरकार ने यह भी किया है कि पीड़ितों को दी जाने वाली राहत की राशि में भी हम लोगों ने बढ़ोतरी की है। हमने यह भी प्रावधान किया कि इस कानून को लागू करने में लापरवाही बरतने वाले सरकारी अधिकारियों पर भी कानूनी कार्रवाई की जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारी सरकार एससी एसटी के हितों के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के तुरंत बाद यह निर्णय लिया गया कि हमारी सरकार इसके विरुद्ध पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगी, और मैं यह सदन को सूचित करना चाहता हूं कि यह याचिका 2 अप्रैल को अध्यक्ष महोदय दाखिल कर दी गई। लर्नेड अटॉर्नी जनरल ने गवर्नमेंट के बिहाफ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया है कि रिव्यू पिटीशन पर शीघ्र सुनवाई प्रारंभ की जाए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सहमति जताते हुए आज ही 2 बजे से रिव्यू पिटीशन की सुनवाई का समय तय कर दिया है। अध्यक्ष महोदय, इससे सरकार की तत्परता पर किसी प्रकार के संदेश की कोई गुंजाइश शेष नहीं बच जाती। मैं यह भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट 20 मार्च 2018 को आया, इसके उपरांत मात्र 6 वर्किंग डेज के अंदर पूरी तत्परता और प्रतिबद्धता के साथ समस्त प्रक्रियाओं और कानूनी परामर्श की कार्रवाई को पूरा करते हुए 2/4/2018 को केंद्र सरकार की ओर से रिव्यू पिटीशन दायर कर दी गई।
मैं यह भी बताना चाहता हूं कि आरक्षण को लेकर भी जो तरह तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं वह पूरी तरह से बेबुनियाद हैं और निराधार। हमारी सरकार एससी एसटी के हितों की रक्षा के प्रति पूरी तरह से संवेदनशील है और मैं सभी देशवासियों से अध्यक्ष महोदय अपील करता हूं कि वह शांति एवं संयम बनाए रखें। हमने सभी राज्यों को शांति बनाए रखने के लिए एडवाइजरी भी जारी की है। हमने शांति बहाल करने के लिए राज्यों ने जो भी मदद मांगी है तत्परतापूर्वक उसे उपलब्ध भी कराया है। गृह मंत्रालय मामले पर नजर बनाए रखे हुए है तथा राज्य सरकारों के भी हम लगातार संपर्क में हैं। मैं सदन के माध्यम से समस्त देशवासियों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की तथा आपसी भाईचारा बनाए रखने की अध्यक्ष महोदय अपील करता हूं और साथ ही मैं सभी राजनीतिक दलों से भी अध्यक्ष महोदय अपील करना चाहता हूं कि वह देश की शांति व्यवस्था तथा भाईचारा बनाने में वह पूरी तरह से वह सहयोग करें। धन्यवाद।